माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं तो आपको फिल्टर मेन्यू के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेनू होता है फिल्टर। इस वीडियो में अभी आप देख रहे होंगे कुछ डेटा इंटर किया हुआ है और इस डेटा में फिल्टर का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ से सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज नेम, वार्ड नंबर, जेंडर, डिजिग्नेशन और सैलरी, ऐसा कुछ कॉलम बना हुआ है और कुछ डेटा भी एंट्री किया हुआ है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आप फिल्टर अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए डेटा मेनू में जाएंगे और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये कीप के तरह फिल्टर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी हेडिंग है ना, हर हेडिंग में देखिए फिल्टर मेनू अप्लाई हो गया। अब आपको करना क्या है, रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट किससे बनाना है, फिल्टर मेनू के जरिए रिपोर्ट बनाना है। तो अब इसमें एम्प्लॉयज नेम, वार्ड नंबर, जेंडर, अलग अलग कॉलम है। अब आपको रिपोर्ट जिस भी कॉलम में बनाना चाहे आप उसके फिल्टर पर क्लिक कीजिए। जैसे अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि ये नाम वाला कॉलम है, ये वार्ड नंबर। अब वार्ड नंबर है तो मान लीजिए जितने भी एम्प्लॉई हैं ये अलग अलग वार्ड के हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से वार्ड नंबर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला आ रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब अगर आपका डेटा नंबर में रहा तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और इसके अलावा डेटा अगर आपका ए बी सी डी में रहा तो असेंडिंग ऑर्डर, जैसे ए बी सी डी जो बढ़ते क्रम में होता है, और एक होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ा से छोटा की ओर नंबर में, और अगर टेक्स्ट में रहा तो जेड से लेके ए तक, ठीक है, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि हम चाहें तो डेटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कर सकते हैं। हम अरेंज करके दिखाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी डेटा इस तरह से अरेंज हो गया, यानी पहले 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, मतलब इस तरह से बढ़ते क्रम में हो गया। अगर हम यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, या आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए अभी यहाँ से जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे ऊपर और जो छोटा नंबर है वो आपका नीचे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वार्ड नंबर जब ये अरेंज होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये वाला सारा डेटा भी आपका चेंज होगा। अब इसके बाद क्या है कि अब देखिए फिल्टर का कहा, ये तो था अरेंज करने का, फिल्टर का जरूरत कहां पर हो रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके सामने, रिपोर्ट तो अभी बहुत लोगों का है, ये तो छोटा सा डेटा है, लेकिन हो सकता है जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो डेटा आपका बहुत बड़ा हो। अब उसमें से ना मान लीजिए हमें रिपोर्ट चाहिए कि जो वार्ड नंबर 8 से, यानी वार्ड नंबर 8 से, उसका ही डेटा हम आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं या प्रिंट करना चाह रहे हैं या रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारा चेकबॉक्स आपका, ठीक है। अब इसमें से सेलेक्ट ऑल हटा देते हैं और सिर्फ वार्ड नंबर को ही टिक करते हैं, वार्ड नंबर 8 को, और जैसे यहाँ से ओके करेंगे तो अब आपके सामने सिर्फ वार्ड नंबर 8 का ही रिपोर्ट आपका दिखाई दे रहा है, जो भी उसका जेंडर है, डिजिग्नेशन है, सैलरी है और नाम है ये। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल, यहाँ से ओके करेंगे, फिर से सारा डेटा आपका आ गया। इसी तरह जेंडर, अब यहाँ से सिर्फ हम चाह रहे हैं कि जो मेल है उसका रिपोर्ट सामने दिखे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटा देते हैं और यहाँ से मेल टिक करेंगे और यहाँ से ओके, अब आपके सामने सिर्फ मेल का डेटा दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल हटाते हैं और यहाँ से ओके, अब सारा डेटा दिखेगा। अब चाहिए सिर्फ फीमेल का, तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टिक हटा देते हैं फीमेल और यहाँ से ओके, अब आपका फीमेल का डेटा दिख रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप जो भी डेटा चाहे वो आप दिखा सकते हैं, चाहे वार्ड नंबर हो चाहे जेंडर हो। और इसके अलावा आप चाहे तो कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे अभी आपके सामने सैलरी का एक कॉलम है, हम चाह रहे हैं कि जिनका सैलरी आप 50,000 से ज़्यादा हो उसका ही हम रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, उसका ही नाम देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से सैलरी वाले पे जाएंगे। ध्यान रखिएगा जिस पर भी, जिस भी कॉलम पर आपको फिल्टर का यूज करना है उसी के उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जब हम इस पर जा रहे हैं तो यहाँ से देखिए नंबर फिल्टर से भेजाएंगे। ध्यान रखिएगा कंडीशन अगर आपको लगाना पड़ेगा तो उसके लिए किस पर जाना है, नंबर फिल्टर पे। अब क्या है कि सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो उसका ही रिपोर्ट दिखे, तो हम यहाँ से नंबर फिल्टर में जाके क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं। इक्वल टू का मतलब 50,000 भी रहेगा तो दिखेगा, और ग्रेटर देन करेंगे तो 50,000 से ज़्यादा, तो यहाँ से 50,000 लिख देते हैं और जैसे ओके करेंगे आपके सामने डेटा उन्हीं का दिखेगा जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। देखिए इन्हें सबका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। फिर वापस इस पर क्लिक कीजिए और जैसे सेलेक्ट ऑल पर टिक कीजिएगा यहाँ से ओके हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि फिल्टर मेनू का यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा पर, बस एक बार फिल्टर पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, आप उसको जैसे आप कर रहे हैं आप उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अभी हम नाम और नंबर डिजिग्नेशन पर नहीं, लेकिन वार्ड नंबर, जेंडर, सैलरी, ऐसे ही बस इतना जानिए कि डेटा एंट्री करते हैं तो आपको फिल्टर मेनू के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप फिल्टर मेनू के बारे में समझे होंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।